नहीं बनती है तो आपकी पार्टी की अगर सीटें आती हैं तो किसको समर्थन देंगे आप? बहुत सार्थक और बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जनसत्ता दल, जिसका किसी भी दल से प्री पोल अलायंस नहीं है। पूरे प्रदेश में प्रत्याशियों से, पदाधिकारियों से और अपने क्षेत्र की जनता से राय लेकर के ही इस पे कोई निर्णय लिया जाएगा। आज लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है, स्वर कोकलाकर जी, तो कितनी क्षति पहुंची? हमने उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करी है ट्विटर के माध्यम से। और देखिए, जाना तो सबको है, लेकिन लता जी गई एक ऐसी रिक्ति छोड़ करके गई जिसकी पूर्ति कभी संभव नहीं है, कोई भी उनका स्थान नहीं ले सकता है। दूसरा, बसंत ऋतु आई और ऐसे में भारत कोकिला, ईश्वर कोकिला चली गई, ये और भी कष्टकारी है। आप जनपद जालौन आए, ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें, ये कामना है। जनपद जालौन आए, जनपद जालौन की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज विधानसभा माधवगढ़ के अनेक गांवों में भ्रमण किया और जो कहना था, अपील करना था ब्रजेश जी के विषय में, वो हर जगह किया, जनसभाएं करी, रैलियां करी। कितनी सीटों पर आपने पार्टी चुनाव लड़ा? अभी तक 19 प्रत्याशी घोषित हैं, अभी जा रहे हैं रात में, फिर देखिए कितने होते हैं। क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के कारण यात्रा करने में बाधा है, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे हैं, तो इसलिए हर जगह सड़क मार्ग से ही जाना हो रहा है। तो अभी नहीं कह सकते हैं कितने प्रत्याशी, लेकिन जहां भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वो जहां ठोस और अच्छी स्थिति में प्रत्याशी हैं, वहीं पर उतारे जा रहे हैं। अजय भैया जी, सबसे बड़ी बात है, अखिलेश जी पश्चिम में लगातार प्रचार कर रहे हैं और अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो सबसे ज़्यादा गुंडा लोगों को अपनी पार्टी में शामिल की और वहाँ बीजेपी, ऐसे में आप क्या कहेंगे इन दोनों पार्टियों को, किस तरीके से? देखिए, हमारी पहली तो नहीं थी, हम किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप हमने कभी आज तक लगाया नहीं। भाषा की गरिमा और मंच की मर्यादा सदैव हमने पालन किया। वो दोनों क्या कह रहे हैं उसको आप लोग सुनिए और सुनाइए। जनसत्ता दल का जो कहना है वो हमारा सेवा संकल्प पत्र है, जो आपको ब्रजेश जी एक एक कॉपी हम चाहेंगे कि सबको आप दे दें। बड़ा मौलिक विषय उसमें उठाए गए हैं, जैसे किसानों के विषय में भी जब बात होती है या टीवी पे या समाचारों में दिखाया जाता है तो सदैव पश्चिम के किसान ही दिखाए जाते हैं, गन्ना किसान, बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल के किसान जो लघु सीमांत कृषक हैं उनकी कोई आवाज़ नहीं और उनकी समस्याएं भी बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन आपको राष्ट्रीय पटल पे कभी इन किसानों की समस्याओं पे बोलते